हमारे YouTube चैनल हिंदू तीर्थ स्थल में आपका स्वागत है। आदरणीय भक्तों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और इस समय हमारे चैनल पर माता दुर्गा के 51 शक्ति पीठों के बारे में विशेष श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें सभी 51 शक्ति पीठों की जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि हमारा दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है आलोक तिवारी एस्ट्रोलॉजर। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आप उस चैनल पर जाकर के ज्योतिष एवं अध्यात्म की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आदरणीय भक्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने त्रिपुर मालिनी देवी शक्ति पीठ के बारे में जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। 51 शक्ति पीठों में से त्रिपुर मालिनी देवी का यह शक्ति पीठ 24वां शक्ति पीठ माना गया है। कहां स्थित है माता त्रिपुर मालिनी देवी का यह प्रसिद्ध मंदिर? भारत भूमि के पंजाब प्रांत के जालंधर शहर के उत्तर में छावनी स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवान शिव ने इस स्थान पर जालंधर नामक राक्षस का वध किया था, जिससे इस स्थान का नाम जालंधर विख्यात हुआ। माता सती का कौन सा अंग गिरा था? त्रिपुर मालिनी देवी मंदिर में माता का बायां वक्ष अर्थात बायां स्तन गिरा था। स्तन के गिरने के कारण इस शक्तिपीठ को स्तन पीठ भी कहा जाता है। माता की शक्ति तथा भैरव का नाम क्या है? यहां स्थित माता त्रिपुर मालिनी देवी की शक्ति का नाम त्रिपुर मालिनी एवं भैरव का नाम भीषण है। त्रिपुर मालिनी देवी मंदिर का इतिहास। त्रिपुर मालिनी देवी मंदिर के निर्माण एवं इसके इतिहास के बारे में निश्चित रूप से कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। इसका निश्चित इतिहास नहीं मिल पा रहा है। इस मंदिर के बारे में एक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यह मंदिर लगभग 200 वर्ष पुराना है। इस मंदिर के निर्माण में वास्तुकला का विशेष ध्यान रखा गया है। यह मंदिर एक तालाब के ठीक मध्य में स्थापित है, जिसके कारण यह स्थल देवी तालाब मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तालाब के मध्य में स्थित माता त्रिपुर मालिनी के मंदिर तक पहुंचने के लिए 12 मीटर चौड़ी सड़क तैयार की गई है। इस सड़क को पार करने के बाद इस मंदिर में 12 सीढ़ियां चढ़ने के बाद माता रानी के मुख्य दरबार अर्थात मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच पाएंगे। मंदिर का शिखर सोने से जड़ित कराया गया है। माता के मंदिर में प्रवेश द्वार के एक तरफ पीपल का पेड़ और माता रानी का झूला है, जो आध्यात्मिकता से ओतप्रोत है। मंदिर का परिक्रमा पथ परिसर लगभग 400 मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस तालाब के एक किनारे में काली माता का प्राचीन मंदिर भी स्थापित है। त्रिपुर मालिनी देवी मंदिर में प्रतिमा। भगवती त्रिपुर मालिनी देवी के मंदिर में 3 प्रतिमाएं स्थापित हैं। पहली प्रतिमा त्रिपुर मालिनी देवी की है, दूसरी प्रतिमा माता लक्ष्मी की है और तीसरी प्रतिमा माता सरस्वती की है। इस मंदिर के पीठ स्थान पर स्तन मूर्ति एक कपड़े से ढकी रहती है, जबकि मूर्ति का धातु से बना हुआ मुखमंडल बाहर दिखाई देता रहता है। महात्म्य। ऐसी मान्यता है कि त्रिपुर मालिनी शक्ति पीठ में जिस किसी की भी मृत्यु होती है उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहां तक कि इस क्षेत्र में प्राण त्यागने वाले पशु पक्षी भी सदगति ही प्राप्त करते हैं। वे भी जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं, उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस शक्तिपीठ से जुड़ी एक ऐसी मान्यता भी है कि यहां समस्त देवी देवता एवं समस्त तीर्थ भी आंशिक रूप से निवास करते हैं। वशिष्ठ, व्यास, मनु, जमदग्नि, परशुराम आदि महर्षियों ने यहां आकर शक्ति की पूजा आराधना की थी। इसके साथ ही भगवान शिव इस स्थल पर जालंधर नामक राक्षस का वध किए थे, जिसके आधार पर ही इस स्थान का नाम जालंधर विख्यात हुआ। त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ के त्योहार। आम दिनों की बात करें तो यहां रविवार और मंगलवार के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ के प्रमुख त्योहार की बात करें तो यहां के प्रमुख त्योहार नवरात्रि एवं महाशिवरात्रि हैं। नवरात्रि के दिनों में यहां की रौनक देखते ही बनती है। चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि के दिन यहां भव्य मेला लगता है। दिसंबर के महीने में हर बल्लभ संगीत सम्मेलन नामक
लोकप्रिय अनुष्ठान आयोजित किया जाता है, जिसके दौरान कई बच्चे माता दुर्गा की स्तुति गीत गाते हैं, नारे लगाते हैं, माता दुर्गा की झांकी निकालते हैं। अन्य दर्शनीय एवं तीर्थ स्थल। माता के दरबार के अलावा यहाँ आसपास में अनेक दार्शनिक स्थल हैं जिनका दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि अमरनाथ गुफा मॉडल, वैष्णो देवी गुफा, श्री राम मंदिर, श्री हनुमान जी का मंदिर, जगजीत पैलेस, दखनी सराय, अक्षरधाम मंदिर, रंगला पंजाब हवेली, यह मंदिर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वंडरलैंड थीम पार्क, यह मंदिर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। एवं जंग ए आजादी स्मारक जैसे सिद्ध एवं दर्शनीय स्थल यहां पर स्थापित हैं, जिनका दर्शन लाभ प्राप्त करके आप अपने आप को हर्षित उत्साहित महसूस कर सकते हैं। दर्शन एवं पूजन का समय। यदि आप त्रिपुरमालिनी देवी मंदिर में दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, त्रिपुरमालिनी शक्तिपीठ में दर्शन हेतु जाना चाहते हैं, तो सितंबर से दिसंबर तक का महीना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह मंदिर दर्शनार्थियों के दर्शन हेतु प्रातः 7 बजे से लेकर के सायं 7 बजे तक खुला रहता है। वैसे आप वर्ष में किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन सितंबर से लेकर के दिसंबर तक का महीना सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। आवागमन के साधन। यदि आप त्रिपुरमालिनी शक्तिपीठ तक दर्शन हेतु आना चाहते हैं, तो यहाँ तक विभिन्न साधनों के माध्यम से बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं। यदि निकटवर्ती रेलवे स्टेशन की बात करें, तो जालंधर रेलवे स्टेशन, जो कि त्रिपुरमालिनी देवी मंदिर से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि निकटवर्ती हवाई अड्डे की बात करें, तो अमृतसर एयरपोर्ट, जो कि त्रिपुरमालिनी देवी मंदिर से मात्र 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन अथवा हवाई अड्डे से आप स्थानीय साधनों की सहायता से बहुत ही आसानी से त्रिपुरमालिनी शक्तिपीठ तक दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं। यदि सड़क मार्ग की बात करें, तो त्रिपुरमालिनी देवी का यह पावन मंदिर सड़क मार्ग के माध्यम से पूरे भारतवर्ष से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप सड़क मार्ग का उपयोग करते हुए बस, टैक्सी अथवा स्वयं के निजी वाहन के माध्यम से यहां तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं और माता त्रिपुरमालिनी का दर्शन लाभ प्राप्त करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अब अंत में अपने चैनल के पुराने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए नए दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी हमारे चैनल पर किसी भी तीर्थस्थल की जानकारी उपलब्ध कराई जाए, तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर अगले शक्तिपीठ के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय, जय गुरुदेव, जय त्रिपुरमालिनी माता।